जितना लेना है ले लो, क्योंकि मैंने इन ये जो आज जो ट्रेनर है मिस्टर प्रवीण है, मैंने इनसे सीखा है और आज मैं इतना अच्छा ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मेरा टीम बहुत आगे बढ़ रहा है। और जैसे कि मैं अभी सक्सेसफुली डायमंड डायरेक्टर लेवल पे हूँ, एक कार ले चुका हूँ, फॉरेन ट्रिप भी हो गया है, आप लोगों के लिए भी वो जगह वेट कर रहा है। सो अगर आप लोग चाहोगे तो आज का ट्रेनिंग बहुत ध्यान से लीजिएगा और देरी ना करते हुए मैं सर को बुला लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 141 पार्टिसिपेंट हो गया है, आप भी बुलाना सही रहेगा। ईच एंड एवरी वन प्लीज मुझे हेल्प कीजिए डिजिटल क्लैब के साथ। मैं बुलाना चाहूंगा हम लोगों का मेंटर, ग्रॉस टीम विक्ट्री का फाउंडर मिस्टर प्रवीण रॉय सर। सर वेलकम सर। थैंक यू कृष्ण दू, सुपर। इट वॉज माइंड ब्लोइंग आपका होस्टिंग, सुपर। एक बार ताली फॉर कृष्ण दू के लिए, एक बार जबरदस्त ताली फॉर प्रामाणिक के लिए। वेलकम सर, सच ए वंडरफुल लीडर। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू जो आज यहाँ पे मीटिंग देखने के लिए आया, सुनने के लिए आया एंड उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आया। ये दोनों और आज का टॉपिक जो ऑलरेडी कृष्ण दू बता दिया इज वेरी क्रूशियल टॉपिक है, बिकॉज हम आपको बताएगा धीरे धीरे धीमे धीमे क्या होने वाला है, क्या होता है एक्चुअली यहाँ पे। ये दोनों क्या होता है मालूम है, आज इस इंडस्ट्री के अंदर में आप देखो, आज ये बिजनेस अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 1930 से जब हमारा इंडिया आजाद नहीं हुआ था उस टाइम से आप अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, वहां पे कितना न जाने बिलियनियर कितना लाखों हजारों लाखों को सफल बना दिया, इतना पावरफुल इंडस्ट्री, इतना आदमी को सफल बनाता है, फिर भी सपोर्ट सिस्टम से लेके लीडरशिप का प्लानिंग से लेके मीटिंग से लेके सब कुछ सपोर्ट देने के लिए तैयार होता है, बट फिर भी या बहुत सारे आदमी फेल कर जाते हैं। डेफिनेटली रीजन तो कुछ होगा, 100% श्योर अबाउट इट, देयर इज अ लॉट ऑफ रीजन, आप इसका पीछे बहुत रीजन है। अगर आप बताएगा तो अगर बताता ही जाएगा तो 3 घंटा लगेगा बताने के लिए, ऐसा ऐसा चीज है। बट यहाँ पे हम अगले 40 मिनट मीटिंग करेंगे, यहाँ पे आपको बताएगा मेन क्रूशियल पॉइंट जो है ना, जिसका कारण से यहाँ पे ये बिजनेस में फेल हो जाता है। बट धीमे धीमे हम भी सीखा, एक्चुअली वो पॉइंट को सीखा तभी यहाँ पे स्टेबल है, तभी इस जगह में डबल टॉन डायरेक्टर लेवल में है, ये झील के हम आया, ऐसे नहीं आया यहाँ पे, करेक्ट। तो हमारा स्कीम को शेयर करना चाहते हैं, पहले हम आगे बढ़ेगा डेफिनेटली। वेट कृष्ण दू, आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन, एक बार मेरे को मदद कीजिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई, yes, 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 दिखा दे रहा ना, करेक्ट। चल जाएगा डायरेक्टली हमारे स्क्रीन के ऊपर में, करेक्ट। आज सब्जेक्ट है व्हाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और नेटवर्क इंडस्ट्री, करेक्ट। जो बोलना चाहता है हम आपको यहाँ पे जो दिखाना चाहता है ना, अगर देखिए आज का दिन में जो बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, जब स्टार्ट करता है प्लान देखा तो वहां पे भी देखते कितना सारा आदमी नहीं आता, आउट ऑफ द 100 आप देखो 60% आदमी यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, 40% नहीं होता, ऐसे ही छाट होता है। उसका बाद भी जब ज्वाइंट होता है ना, वहां पे क्या होता है, 2 डिसीजन होते हैं, एक बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीजन वो अलग होता है और एक बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन, 2 डिसीजन होते हैं। जो आदमी ज्वाइन कर लिया वहां पे 2 डिसीजन, कोई आदमी आपको बता दिया और ज्वाइन कर लिया, ऐसे ही बोल दिया जब ज्वाइन कर लिया, यस ये बिजनेस को ज्वाइनिंग का डिसीजन है। बट सेकेंड जो ऑप्शन है दिट इज कॉल्ड ए बिल्डिंग द बिजनेस को बिल्ड करेगा। ये दोनों जो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जाता ना, देयर इज ए लॉट ऑफ थिंग्स आपका सामने आ जाते हैं। ये दोनों हम लोग पहले भी बताते ना, ये 80-20 रूल होता है ना, 80% आदमी सफल नहीं बनेगा, ऐसे ही 20% आदमी सफल बनते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या क्या मुसीबत आपका सामने खड़ा होता है जिसका कारण से एक आदमी फेल होता है, देयर इज ए लॉट ऑफ रीजन। अगर देखिए पहले आप जाएगा एक स्लाइड के ऊपर में, ये होता है आपका, आप सोच के देखो स्ट्रॉन्ग, एक मिनट आपका, एक बार हमारा वो स्लाइड शो ना, एक मिनट समझो, इस स्लाइड शो राइट, एकदम करेक्ट आया ना, करेक्ट आया ना,
Now, पहले जो पॉइंट के ऊपर आएगा ना, देर इज ए लॉट ऑफ द फेज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क. अगर इस चीज को आप समझ जाएगा ना, तो आपको फेल का रेट है ना, जो आदमी फेल करता ना, इसी का कारण से फेल होता है. द फेज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क, अगर पहले आपको बताएगा फेज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क, पहले होता है ना एक फेज आता है स्टॉर्मिंग फेज. क्यों? बिजनेस आपको बोल के नहीं आता, प्लानिंग करके नहीं आता हमारा लाइफ में. हम लोग जो बचपन में बड़ा होता ना, मेरा फैमिली को देखे बड़ा होता, हमारा पिताजी नौकरी कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, उसको देख के वही कॉपी कर रहा था हम लोग. तो क्या होता है, अचानक बिजनेस में बाय डिफॉल्ट आ जाता है. हम क्या, मेरा लाइफ में ऐसा सपना था नेटवर्क इंडस्ट्री मेरा लाइफ बनाएगा, करियर बनाएगा? कभी नहीं था. बाय चांस ये बिजनेस मेरा लाइफ में आ गया. जब भी आएगा ना, प्रिपरेशन नहीं था ना, आप आके ना झटका लगेगा. क्या होता है मालूम है, स्टॉर्मिंग फेज. इस स्टॉर्मिंग के ऊपर में 80% आदमी उड़ जाता है, जो आदमी ज्वाइन हो गया. स्टॉर्मिंग क्या होता है, नेटवर्क इंडस्ट्री का अंदर में जो जो प्लानिंग होता है, जो जो काम होता है, जो फेस करना पड़ता है, जो चेस करना पड़ता है, ये चीज के ऊपर में आप कोई आइडिया नहीं. बट ये कभी भी परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पोररी होता है. ये आपको ये थिंकिंग को आपको समझना पड़ेगा. जैसा अम्फन आया था, ये दोनों क्या लॉन्ग टर्म में था, क्या परमानेंट हुआ था? नहीं आया था. एक दो घंटे अंदर में हिला के रख के गया था. बट आफ्टर दैट क्या होता है, ऐसे नेटवर्क इंडस्ट्री में पहले आता है, उसमें बीच में पड़ जाता है. बट वो जो फेज को आप क्रॉस कर जाएगा ना, देर विल बी अनदर फेज, दिस कॉल्ड ए नॉर्मिंग फेज. ये पोजिशन को नॉर्मल हो जाएगा. यही सिस्टम है नेटवर्क इंडस्ट्री में. सफल होने का तो ये फेज, ये चीज को आपको फेस करने वाला है. तो नॉर्मल में जब आ जाएगा ना, तब आपको क्या होता है ना, नॉर्मल फेज के ऊपर में और एक फेज आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड ए फॉर्मिंग फेज. आप स्टार्ट करेगा बिजनेस को फॉर्म करने का, तब तक आप एवरी साइड में एक्सपर्टाइज हो जाएगा. पर ये फेज को एक्सपर्ट होने के जो और भी फेज बताएगा ना, या कम से कम ये चीज को 6 मंथ लगेगा, मिनिमम 6 मंथ. कैसे लगेगा उसका बारे में बताएगा. वो जो स्टॉर्मिंग फेज में पड़ता है, जिसका कारण से मेजर पीपल फेल हो जाते हैं. यस, वो धीरे धीरे कम पड़ते रखी ये फेज को धीरे धीरे क्या होता है, फॉर्मिंग फेज में आते हैं. उसका बाद उनका बिजनेस बिल्ड होता है. और देखो, अगर आपको दिखाएगा यहाँ पे, देर इज ए अनदर पार्ट. अगर दिखाए आपको ये अनदर फेज, अगर दिखाए 4 types of people आपको ऐड होगा, आपका साथ ऐड जुड़ जाता है ना. 4 types of people जब भी काम शुरू करेगा, ऐसे फाइट करके फेज में आया आप, नॉर्मिंग फेज में आया, उसका बाद फॉर्मिंग फेज में आया, उसका बाद क्या होता है, जो आपका साथ आदमी जोड़ता है ना, जोड़ने का भी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल होता है. द 4 types of people विल बी देयर विथ यू. नाउ एक तरह का आदमी होता है, हम आपको बताता है, Neither they use product nor they sell. क्या होता है, sewing plan after the joining. Joining होने का साथ साथ आपका ग्रुप में जो होता ना, वो कभी प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते ज्वाइन होने का साथ साथ, नाइदर प्लान भी सो नहीं करते. तो आप क्या होगा, डिमोटिवेशन आ जाए आपका अंदर में. तो इसी फेज का अंदर में क्या होगा ना, आपको क्विटिंग करने का चांस ज्यादा हो जाता. बट आपको ये थ्योरी को समझना पड़ेगा, क्योंकि 4 तरह का पीपल आपका साथ जुड़ेगा. ये आप अगर इसका अंदर में रहेगा, तब आपको पता चलेगा. One kind of people, neither they use product nor they swing up plan after the joining. तो आपका अंदर में demotivation आएगा, और उसी demotivation बहुत सारा आदमी छोड़ देते हैं. Now अगर देखा 2 number point, they use some product. एक तरह का आदमी होगा, they use some product sometimes, कभी कभी, but they didn't swing plan. वो कभी marketing plan के लिए खड़ा नहीं होगा, वो कभी system को समझना नहीं चाहता है, वो कभी business को expand करना नहीं चाहता है. आप क्या सोचेगा, थोड़ा सा product volume हो रहा है, ऐसा उम्मीद आपको बढ़ेगा, बट थोड़ा देर बाद उम्मीद टूटते रहेगा, क्योंकि आपका बिजनेस एक्सपर्ट नहीं हो रहा. ये दोनों ये फेज, ये एक टाइप्स ऑफ पीपल आता है. उसका बाद क्या होता है मालूम है, 3 number point जो आता है ना, दे आर रेगुलर यूजिंग प्रोडक्ट. एक काइंड ऑफ पीपल आएगा जो आपका बिजनेस का अंदर में और रेगुलर बोनाफाइड कस्टमर बन जाएगा. मतलब दे आर द बोनाफाइड कस्टमर बट नॉट स्वइंग प्लान. आप वो बिजनेस को बढ़ाना नहीं चाहते. तो क्या होता है, आपका थोड़ा थोड़ा स्टेबल बिजनेस हो रहा है, बट ग्रो नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है. अगर ऐसे ही 2 महीना 3 महीना 6 महीना 8 महीना 1 साल होगा, तो आपका अंदर में डिमोटिव ज्यादा है. बहुत सारा आदमी यहाँ पे क्विटिंग करने का चांस होता है. ये तो नो. नाउ देयर इज अनदर पॉइंट, जो 4 types of people आएगा, अनदर टाइप्स ऑफ पीपल, दे आर यूजिंग प्रोडक्ट रेगुलरली एंड दे आर सोइंग प्लान रेगुलरली बिकॉज दे हैव आइडिया, दे हैव ड्रीम, दे वॉन्ट टू हिट द लेवल. मतलब दे आर द लीडर. तो बेसिकली ये 4 types of people
आपका साथ किस टाइम में जुड़ेगा, कौन सा टाइम में जुड़ेगा, आपको ये पता नहीं होता है। हो सकता है किसी आदमी का अंदर में पहले टाइप में नंबर वन आदमी आ गया, दो नंबर टाइप का पीपल सेकंड फेज में आ गया, तीन नंबर टाइप का पीपल थर्ड फेज में आ गया, बट आपको क्या लग रहा है, मेरा पास विजन नहीं होगा, जो मेरा था नौकरी था वही करो, जो बिजनेस था वहां पे लग जाओ, ये क्विटिंग का चांस ज्यादा होता है। ये दोनों अगर ऐसे भी हो सकते हैं, आपका जो लास्ट वाला लीडर है ना वो पहले भी आ सकते, वो सेकेंड टाइम में भी आ सकते, वह हो सकता है थर्ड फेज में भी आ सकते, बट किस फेज में आएगा, किस टाइम आएगा, ये आपको पता है। इसलिए क्या चाहिए आपको, आपका अंदर में पैसेंस चाहिए, आपका अंदर में टाइम ओरिएंटेड पैसेंस चाहिए। अगर आपका अंदर में पैसेंस होगा ना, पेशेंस धैर्य बांग्ला में बता देना, वो पेशेंस आपको चाहिए। ये चीज का अंदर में आदमी का पास नहीं होता, जिसका कारण से या क्विट होता है। बिकॉज आपको ये भी पता है, सक्सेस कम्स ए माइनॉरिटी, इट नॉट बिकम्स ए मेजोरिटी। सक्सेस को भी माइनॉरिटी में, मेजोरिटी में नहीं आता, माइनर क्यों आता है, बिकॉज वो चीज को समझने का कोशिश नहीं करेगा, वो इसको एडॉप्ट नहीं करना चाहते। क्लियर? अगर देखिए चार फेज आपको चार्ट पे भी आपका साथ आएगा, या आपको डे वन से काम करते करते आपको रियलाइज करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो आप क्या होगा, सॉलिड रॉक हो जाएगा वहां पे, धीमे धीमे क्या होगा, यू आर गोइंग टू, आपका बिजनेस को ग्रोथ लेवल में आ जाएगा ना। हो अगर देखिए और एक फेज दिखाएगा आपको, ये तो फोर टाइप्स ऑफ पीपल देखा है, जिसका कारण से ये बहुत सारा रिक्विट करता है। अनदर एक्ट ऑफ फेज दिखाएगा, द पावर ऑफ रिचुअल स्टेज, इसका रिचुअल स्टेज बताता है, पावर ऑफ रिचुअल हैबिट, काम करने का तरीका। इसमें क्या होता है मालूम है, यहां पे भी चार चार स्टेज रहता है। इसी स्टेज अगर समझ में नहीं आएगा ना, वो आदमी छोड़ देगा, क्विट हो जाएगा, ये बिजनेस वो सफल नहीं बनेगा। आपको सबको पता है वेस्टिंग बिजनेस को करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये तो सबको पता है, बट किस ढंग से करेगा, कितना दिन तक तो करेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना अगर पहले मेथड आपको दिखाएगा, स्टेज नंबर वन, थोड़ा देर पहले जो कृष्ण सिटी को दिखा रहा था कॉम्फर्ट जोन, जो काम को वेस्टिज ने शुरू किया, ये जब तक ये काम विदाउट एनी नॉट टेकिंग एनी रेस्ट, वेस्टिज का जैसा काम डेली बेस में करना पड़ेगा दो तीन घंटा। अगर रेगुलर बेस पे आप कर रहे एक महीना 30 डेज तक, ये 30 डेज तक जब कंप्लीट कर देगा ना, यू आर क्रॉसिंग द लेवल ऑफ कंफर्ट जोन। आप चेक करके देखो, बहुत सारा आदमी ज्वाइन कर लेना, वो क्या रेगुलर बेस पे परमानेंटली हर मंथ में 3-4 घंटा डेली काम करते हैं लगातार 30 डेज। अगर वो लगातार 30 डेज वो वर्क एक्टिविटी को बढ़ाएगा ना, ये क्या करेगा ना, कंफर्ट जोन को क्रॉस करके चल जाएगा। उसका बाद जो आता है ना स्टेज नंबर टू विदाउट एनी टेकिंग रेस्ट, बिना रेस्ट लेके वेस्टिंग का जो काम है, उस काम को डेली बेस में 3-4 घंटा रेगुलरली कर रहा है, 30 डेज से लेके 60 डेज तक तो कंप्लीटली किया, तो 30 डेज से 60 डेज तक तो वो रहता है हैबिट जोन में। द मोमेंट यू क्रॉसिंग द 60 डेज, तो यू आर गोइंग टू अनदर स्टेज, करेक्ट? इसी स्टेज में बहुत सारा आदमी आके गिर जाता है, वो क्विट कर जाता है, वो विनिंग करना नहीं चाहता है, बिकॉज ऑफ उसका वो पेशेंस नहीं रहता है। ये तो नो, उसका बाद जब 60 डेज को कंप्लीट कर दिया, उसका बाद और एक स्टेज आता है, इस स्टेज का नाम है स्टेज नंबर 3। वेस्टिज का जो वर्क है ना, वर्क एक्टिविटी डेली बेस पे आप कर रहे हैं, रेगुलर बेस पे विदाउट एनी टेकिंग रेस्ट 3-4 घंटा डेली, या मेरा फोकस है, मेरा ब्लड सेल वेस्टिज बोल रहे हैं, मेरा ब्लड में ऑटोमेटिक जनरेटिंग हो गया, जैसे ब्लड ऐसे बीटिंग होता है ना, मेरा अंदर में वेस्टिज का काम ऐसे हो गया। स्टेज नंबर 3 में क्या होता है ना, बिहेवियर जोन बता दे उस जोन को, जब 60 डेज को क्रॉस करके वेस्टिज का काम लगातार बेस पे 90 डेज तो करेंगे, ये होता है बिहेवियर जोन। जब भी 90 डेज को क्रॉस कर लेगा ना, आप घुस जाएगा और एक लास्ट जोन में, उस जोन का नाम है 4th जोन, स्टेज नंबर 4, सेकेंड नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स 180 डेज तो ये जोन आप कर रहे थे। द मोमेंट यू क्रॉसिंग 180 दिन, मतलब 6 महीना, अगर वेस्टिज का काम रेगुलर बेस पे जो कर रहे, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पार्ट टाइम, मेंटली फुल टाइम, फिजिकली पार्ट टाइम, क्रॉसिंग 180 डिग्री सेंटीग्रेड में घूमेगा,
हम आपको गारंटी देगा यह अगर करे तो आपका वेस्टेज में हटा नहीं पाएगा, आपको अपलाइन बोले भाई काम छोड़ देना, वो बोले मेरा करेगा, देयर इज अ मेरा ड्रीम, बहुत बड़ा ड्रीम है और करके जाएंगे। समझ में आया? ये चार फेज को आपको पहचानना पड़ेगा एंड मेरा टीम लोग को ये फेज के बारे में टोटली नॉलेज देना पड़ेगा। आपको यहां तो ये जोन को क्रॉस करना पड़ेगा, तब देखो दुनिया में कोई आदमी आपको हटा नहीं पाएगा वेस्टेज से, करेक्ट। उसका बाद हम लोग आएगा और एक फेज का अंदर में, ये हो गया आपका पावर रिचुअल स्टेज, क्योंकि जिसका कारण से ये आदमी फेल होता है, ये हमको रियलाइज हुआ, हम भी सीखा पढ़ के, हम भी किसी से ट्रेनिंग लिए सीखा है, अचानक नहीं सिखाया भी है, धीमे धीमे इतना दिन जो काम कर रहा है उस काम से हम सीखा है, वो सीखने वाला चीज आपको बता रहे बताने का कोशिश कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा, द फाइव टाइप्स ऑफ पीपल विल बी देयर, जैसा फोर टाइप्स ऑफ पीपल आपका अंदर में आएगा, यहाँ पे भी फाइव लेवल ऑफ पीपल यहाँ पे आएगा, फाइव लेवल ऑफ पीपल, जैसा एक लेवल ऑफ पीपल आपका साथ है, ये आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा, ये अगर आपको ले लिया ना तो आपको बिजनेस करने के लिए आसान हो जाएगा, ये काम को करने के लिए वो आसान बना देगा। पहले पहले जो लेवल होगा ना, फाइव लेवल ऑफ पीपल जो होगा ना, वह फाइव टाइप्स ऑफ पीपल जो होगा ना, पहले टाइप्स ऑफ पीपल क्या होगा मालूम है? जिस आदमी का नाम है ट्विटर, वो काम बेस्टी में शुरू करेगा ना, दो चार आदमी को बताया ना, दो चार आदमी का नेगेटिविटी आ गया, वो नहीं करना चाहता है, तुरंत क्या करेगा ना, बस हमारा काम ही अच्छा था, हम घर का हाउस वाइफ अच्छा था, हमारा छोटा बिजनेस तो अच्छा था, देन एंड दे क्विट। ये वन टाइप ऑफ पीपल आपका साथ जुड़े होगा, दिस इज कॉल्ड ए क्विटर। समझ में आया क्या बोल रहे? आपको ये समझ में आना चाहिए, तभी ये बिजनेस हो हट जाता है, हमें क्यों डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो जाता है, दिस इज द ओनली वे। वाह, रीजन। दो नंबर पॉइंट आपको बताया, जिस पॉइंट का नाम है द फॉल्ट फाइंडर, वो जो काम करता है ना क्विटर, क्या करते दो आकर भी बताने का साथ था तो वो फेल हो जाते हैं। दो नंबर टाइप्स ऑफ पीपल आपका साथ जुड़ेगा, वो क्या होता है मालूम है? दो चार आदमी को प्लान दिखाया, दो चार ना किया, उसके बाद और चार पांच आदमी को प्लान दिखाया, करते करते उसका अंदर में पैदा होगा फॉल्ट। किसका फॉल्ट? उन्हें ये मेरा अप्लाई का फॉल्ट है, ये प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दिया ये मेरा फॉल्ट है, कंपनी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेकर आया जिसका कारण से फॉल्ट है, राइस ब्रैन का प्राइस हाई हो गया इसका फॉल्ट, इसलिए मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। डिफरेंट काइंड ऑफ फॉल्ट। अरे वेस्टेज का पास 350 का प्रोडक्ट के 5000 प्रोडक्ट के क्या आपको राइस ब्रैन का प्राइस बढ़ा दिया, आपका बिजनेस नहीं होगा। ऐसे 3 साल पहले राइस ब्रैन नहीं था, क्या हुआ था? ऐसे 4 साल पहले एक ही एग्री प्रोडक्ट था, 8 लीग था, आज 8 आ गया। ये समझने का कोशिश करो, दिस पीपल का नाम है फॉल्ट फाइंडर। कहां पे भी कहां पे वो फॉल्ट फाइंड तो करेगा और उसका बाद वो क्विट कर देगा। क्यों फेल होता है? दिस इज द रीजन, करेक्ट, फॉल्ट फाइंडर। उसका बाद और एक तरह का पीपल आता है जिसका नाम है ना डेबलर, दिस कॉल्ड ए शूटिंग मास्टर। वो इतना जोर से यहां पे आएगा ना तोड़ देगा, हम तो क्राउन बनेगा, हम तो गाड़ी लेगा, मेरे पास ऑडी आएगा, मेरे पास जागुआर आएगा, मेरे पास सब कुछ आएगा। इतना जोर से आता है ना उतना जोर से भाग जाता है। इस तरह का आदमी आपका साथ जुड़ेगा, फाड़ देगा, कुछ दिन का बाद दिखाई नहीं देगा। दिस टाइप ऑफ पीपल, दिस कॉल्ड अ डैबलर, इट्स कॉल्ड अ शूटिंग मास्टर। समझ में आया? उसका बाद और एक लेवल ऑफ पीपल आपका साथ होगा जिसका नाम है स्ट्रेसर, लाइक यू एंड मी। मेरा तरह का आदमी है, कृष्ण तरह का आदमी है, सब तरह का आदमी है जो ट्रेस लेने के तरह है। प्रभु या तो आया ना ट्रेस लेके, ये तीनों चीज को फेस करके आया, हम छोड़ने वाला नहीं है। हमको पता है विजन के ऊपर में काम होता रहा, विजन के ऊपर में काम करके आपको पता है ये आपका लॉन्ग टर्म का थिंकिंग है, आपको पता है अगले 5 साल का मेरा टारगेट है, ये एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है। आज ज्वाइन किया रातारात आपको रीच बनेगा, रातारात आपको सक्सेस दिला देगा, रातारात आपको गाड़ी दिला देगा, रातारात आपको मर्सिडीज दिला देगा। ये सिस्टम नहीं है बॉस, जहां पर भी आज जाके देखो, अगर कोई नौकरी कर रहा है 26 साल 27 साल 15 साल पढ़ने का बाद उनको मिलता है कोई नौकरी, करियर स्टार्ट होता है, या क्यों तड़पता है आपको 2 दिन 4 दिन आने का साथ साथ, बोले मेरा बिजनेस खड़ा नहीं हो रहा। समझने का कोशिश करो, ट्रेस है, ये ट्रेस को करके आप ये गिरेगा, हर आदमी गिरेगा, हर आदमी फेल करेगा। फेलियर इज द स्टेप ऑफ सक्सेस, जहां पे फेल कर रहा है वहां पे आपका नॉलेज अंदर में आ रहा है। अरे बहुत सारा आदमी वो लेना नहीं चाहते एंड दे आर क्विटिंग। समझ में आया? जो ये ले लेगा ना, दिस कॉल्ड अ स्ट्रेसर पीपल, वो गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, बट आफ्टर दैट इज विनर।
वो बन जाएगा, जैसा हम है, जैसा क्रिश्चियन है, जैसा आदर पीपल यहाँ पे जो जो आदमी आया है, करेक्ट, गिरेगा उठेगा, बट यू विल क्रॉस द लेवल ट्रेसर, द लास्ट लेवल, और एक लेवल है जिस लेवल का नाम है मास्टर, मास्टर, देयर लाइफ इज ए बाइबल, पीपल सरेंडर टू देमसेल्फ। वो मास्टर कैसे बना है, हर चीज को झील के यहां पे आया, वो जो खड़ा होता है ना हजारों आदमी उसके साथ जुड़ जाता है, ये दोनों तब क्या है, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल का बाद वो ऐसा माहौल को बनाया, उस खुद को बनाया, खुद के ऊपर में काम किया, जहां पे खड़ा होता है आदमी ना जैसा मौमाछी होता है वहां पे घिमता है, आ गया वो। दिस टाइप ऑफ पीपल, क्विटर, डैबलर, स्टेसर, मास्टर, आपको समझ में आया, तभी क्या होता ना ये रेट ऑफ सक्सेस क्यों कम होता, दैट इज द रीजन, करेक्ट। नाउ नाउ वी मेजर 7 पॉइंट के ऊपर में टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, जिस टॉपिक के ऊपर में मेजर आदमी फेल करते हैं, ये तो नो, जो टॉपिक है ये जो 5 टाइप्स का पीपल का बात हम बताया, ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल का पिक्चर भी आपका सामने डाल दिया। आप देखो हम भी सीखने वाला नहीं था, बट हम भी खुद सीखा, हम भी खुद स्लाइड बनाते, पहले क्या था आपको सीखा था, कोशिश करते हैं, क्या क्रिश्चियन जो साइड देख रहे हैं अच्छा होना खराब हुआ, बहुत बढ़िया ना, डेफिनेटली हम भी सीख रहे हैं ना, जो लर्निंग एबिलिटी आएगा ऑटोमेटिकली सीख जाएगा, करेक्ट। उसका बाद हम लोग जाएगा द मेजर पॉइंट के ऊपर में, जिस पॉइंट के ऊपर में डेफिनेटली सब भी मेजर पॉइंट है, हम क्या बोल रहे हैं, अगर क्यों फेल करता है ना अभी बताएगा ना, 3 घंटा बताएगा, इतना सारा टॉपिक है, इतना सारा पॉइंट है, करेक्ट। बट हमको ये चीज को समझना पड़ेगा, रियलाइज किया ना, अब जिंदगी में बेस्ट चीज क्विट नहीं करेगा, आपको सक्सेस गारंटी है, बाय डिफॉल्ट गारंटी है, कोई आदमी आपको हटा नहीं पाएगा यहां से, करेक्ट। जाएगा हम लोग मेजर 7 सिंपल रीजन फॉर फेलियर इन दिस बिजनेस, द मेजर 7 सिंपल रीजन फॉर फेलियर इन दिस बिजनेस, ये दोनों। पहले पॉइंट, जिस पॉइंट का बात करना चाहता है, दिस पॉइंट का नाम है द अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। क्या बोला आपको, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ये बिजनेस में जब ज्वाइन करते ना आदमी लोग, सुना है ना, गाड़ी ले लिया, वो ले लिया, लाख का इनकम है, 4 लाख का इनकम है, 5 लाख का इनकम है, 8 लाख का इनकम है, ऐसे एक साल का अंदर में आके इतना सा पैसा कमा लिया, और जो भी घुसता ना एक एक ऐसे एक्सपेक्टेशन लेके आता ना, जो भाई जैसे अब ज्वाइन किया ना लॉटरी लग गया, नेटवर्क में आ गया, हमारा रात रात रिच बन जाएगा, ये होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। सोचते है क्या मालूम है, 3-4 आदमी को ज्वाइन कर दिया, एक ग्रुप बना दिया, हम कुछ नहीं करेगा, इसका ऊपर बैठ के हम खाएगा, नेटवर्क है ना, हम बैठ के खाएगा, ये दोनों, ये होता है अनरियलिस्टिक, या कभी नेटवर्क नहीं बनता है बॉस। आपको नेटवर्क में सफल बनने के लिए डेली बेस पे काम करना पड़ेगा, आपको टीम का बनेगा, टीम का साथ कंटिन्यू वर्क, वहां पे लीडरशिप देना पड़ेगा, कैसे लीडर बनेगा, कैसे टीटीटी प्रोग्राम बनाएगा, टीम द ट्रेनर कैसे बनेगा, हमारा टीम में जो आज ज्वाइन हुआ 5-10 आदमी, 20 आदमी, 22 आदमी, कैसे प्रोडक्ट सिस्टम एक्सपर्टाइज होगा, कैसे प्लान देखने में एक्सपर्टाइज होगा, कैसे इन्विटेशन में एक्सपर्टाइज होगा, कैसे फॉलो अप में एक्सपर्टाइज होगा, ये मेरा ड्यूटी है। अगर हम नहीं काम करेगा, 5 आदमी को ज्वाइन करेगा, 20 आदमी को ज्वाइन करेगा, ऐसा बहुत सारा आदमी नेटवर्क है ना, आप ज्वाइन कर लिया, 10 आदमी को लगा दिया, लग दो अपलाइन का बिजनेस है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जिसका कारण से मेजर बहु पीपल यहाँ पे, मैक्सिमम पीपल यहाँ पे फेल होता है, ये तो नो, ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन ऐसा करो, अनरियलिस्टिक होना चाहिए भाई, यह काम है, यहाँ पे एक सक्सेस को बनाने के थोड़ा टाइम लगेगा, ये दोनों आपको थोड़ा पेशेंस लगाना पड़ेगा, ये आपको जाके देखो ना, कोई भी बिजनेस क्या, यहाँ पे ओनली कैपिटल नहीं है, बाकी सब कुछ है, ये आपको लेबर देना चाहिए, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस लेना पड़ेगा। एक दुकान को खड़ा करने के लिए, एक तो ट्रेडिशनल बिजनेस को खड़ा करने के लिए कितना दिन का बाद प्रॉफिट देता, आप सोच के देखिए तो कितना दिन का बाद प्रॉफिट देता, करेक्ट। तो यहाँ पे जाके हमारा यहाँ पे जो होता है ना, लग गए लॉटरी, हम इसको छोड़ देगा, ऐसे बिजनेस बन जाएगा, ऐसा नहीं होता बॉस, ये चीज के ऊपर में काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये एक इंडस्ट्री है, ये आपको करियर को इतना बड़ा करेगा, अगले जनरेशन को आपको लाइफ देगा, अगले जनरेशन तो आपको इनकम को बढ़ाएगा, डे वन से ये आपको समझना पड़ेगा, टीम को समझना पड़ेगा, ऐसा फोकटिया में कुछ नहीं आता है, यहाँ पे काम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, सब कुछ है, ओनली कैपिटल नहीं है, सब कुछ है। एक दुकानदार 30 दिन दुकान को खुलता है, एक बिजनेसमैन 30 दिन 12 घंटा काम लगाता है बिजनेस के ऊपर में,
वो पेशेंस लगाते हैं, वो हार्डवर्क लगाते हैं, वो लेबर लगाते हैं, बट यहां पे आके क्या होता मालूम है, नहीं देना चाहते, करेक्ट, एंड ऐसे ही पैसा आ जाएगा, एंड दैट इज द रीजन द मेजर पीपल यहां पे फेल हो जाते हैं। ये दोनों अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ये मत करो। यस नाउ जैसा देखो छुपी लगा है, हैविंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मिल गया मेरे को नेटवर्क, चार आदमी को जोड़ दिया, हम डायमंड बन गया, छह आदमी मेरा साथ आ गया, क्राउन बन चुका है, मेरा हाउस पर आ गया, ऐसा नहीं होता बॉस, करेक्ट, बिंदास हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज द रीजन द मेजर पीपल दे आर गोइंग टू फेल, करेक्ट। सेकेंड और एक पॉइंट बताएगा आउट ऑफ द मेजर सेवन पॉइंट का अंदर में, दिस पॉइंट का नाम है लो एंट्री कॉस्ट allowing non-serious people to start. या business जब start करते हैं बॉस, कोई पैसा ही नहीं लगता है, जिसका कारण से non-serious people ज्यादा यहां पर admit होते हैं। Non-serious क्यों? पैसा तो लगा नहीं, लगता है दो product खरीद लिया, इसका मतलब वो shopping कर लिया, आपका Samsung का phone खरीद लिया, क्या आपका Samsung का business आ गया? आप customer है, आप business owner नहीं है। दो चार पेस लग, हम खरीद लिया, आपको हम बेस्टी ज्वाइन कर लिया, तीन चार पेस, अब कस्टमर है, बिजनेसमैन नहीं है। क्यों आता है ये लोग? क्योंकि पैसा नहीं लग रहा है, ऐसे ज्वाइन हो देता, मैंने होलसेल में ज्वाइन करा था ना, करेक्ट, यहाँ पे कस्टमर बनने वाला काम नहीं, बस कस्टमर का साथ बहुत सारा काम होता है। ये दैट इज द मोस्ट वाइटल पॉइंट, मेरा पास स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं लगता, जो भी मर्जी कर लेता है, दुकान में गया, हमारा वेस्टीज में गया, शॉपिंग कर लिया, चलो भाई जैसा शॉपिंग किया था ना मॉल में, यस वहां पे जाके ऐसे ही कुछ शॉपिंग कर लेते, उसका बाद सीरियसनेस कुछ नहीं है, ये बिजनेस है, कितना टाइम लगाना पड़ता, 3 घंटा देना पड़ेगा, यस कौन कौन क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, क्या क्या ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, यस इसका ऊपर में आपको फोकस, इसका प्लानिंग एक्टिविटी, उसका अंदर में आपको आपको घुसना पड़ेगा, उसमें नहीं होगा, क्योंकि वो सीरियस तो नहीं था, क्योंकि लो कॉस्ट था ना, कॉस्टिंग लो था, जिसका कारण से उसका इंटरेस्ट नहीं हुआ। ये दोनों, ये दोनों लिखिए चैट में, ये दोनों, यस यस 100% डियर फ्रेंड्स, फटाफट चैट में ठीक है, फटाफट चैट में, यस नो, कौन-कौन एक्टिव है, कौन-कौन एक्टिव है, मैं देखना चाहता हूं, यस कौन-कौन सीरियसली ट्रेनिंग ले रहा है, ये भी चेकिंग हो जाता है, बढ़िया बढ़िया, जयदीप, दीपक, बांटी, अरे बाबा इतना फटाफट फटाफट जा रहा है, एमडी काइप और पिता जी सबका नाम लेने दे पा रहा हूँ बॉस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसका बाद थर्ड पॉइंट में जाएगा, क्या थर्ड पॉइंट था, देखो उल्टा चीज है, थर्ड पॉइंट ये देखिए, नॉन सीरियस पीपल, देखा ना, लो मैं सीरियस ही नहीं है तो पैसा ही तो लगा नहीं, जिसका कारण से शॉपिंग करने के लिए गया, 100% श्योर ऐसे होता है, सीरियस नहीं। उसका बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट कैसे एग्जिट हो रहा, देखिए क्यों मालूम है, जीरो एग्जिट कॉस्ट, इट इज टू क्विट, हमारा हमको यहां से निकालने के लिए कोई खर्चा नहीं होता है। आप सोच के देखो, बड़ा बिजनेसमैन जो बिजनेस को करता है ना, एक एक बिजनेस कई साल प्रॉफिट नहीं, लॉस में चल रहा है, हजारों करोड़ रुपया वहां पर लगाया बिजनेसमैन, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, शोरूम लगाया, लेबर लगाया, कितना सारा कैपिटल इन्वॉल्व हो गया, आप सोच के देखिए, अगर भाग जाएगा ना पूरा चीज खराब हो जाएगा, उसका उसका कितना लॉस हो जाएगा, 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल भी वह लॉस हो रहा है, 8 साल उसका बाद भी, 9 साल का अंदर में वो प्रॉफिट देखने के लिए, लॉस करने का बाद भी वो टिक के रहता है। बट यार निकालने के लिए कॉस्ट नहीं था भाई, कोई आदमी ज्वाइन कर रहा था, इजिली ज्वाइन हो गया था, निकालो ना भाई, जो अच्छा है वहां पर, जो नौकरी मेरा लिए अच्छा है, काम मेरा लिए अच्छा है, छोड़ो भाई, किसको कौन बोलेगा, उसको जाके बोलेगा, मेरे को रिजेक्ट करेगा, वो ना करेगा, वो मेरे के घर पे मेरा फोन बंद कर देगा, कौन यहां पे देखेगा। तो जिसका कारण से भाग से वहां से पीछे से भाग जाएगा, ये जीरो एग्जिस्ट कॉस्ट, ये भी बहुत बड़ा रीजन है जिसका कारण से सीरियस भी नहीं होता। बट पैसा अगर लग जाता था ना, कभी बोला ना वैल्यू देने का कोशिश करो, फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ नहीं होता लाइफ में, ये तो नो, you have to pay the price if you want to get the success. Success को मिलने के लिए आपको price को pay करना पड़ेगा, without paying price you will not get anything.
कभी कभी आपको देना पड़ेगा ऐसे ना, करेक्ट। तो दिस इज द रीजन यहां पे फेल होता डायरेक्टर इंडस्ट्री में, नहीं तो इतना अच्छा खूबसूरत बिजनेस इस वर्ल्ड का अंदर में, अर्थ का अंदर में जिंदगी में नहीं है। जो बिजनेस करने के लिए रुपया नहीं लगता है, जो बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगता है, जो बिजनेस करने के लिए कोई एज का बार नहीं होता है, जो बिजनेस करने के लिए कोई अलग से प्लेस, बिजनेस करने के लिए कोई अलग बाउंड्री का अंदर में कुछ नहीं। यहाँ पे कोई भी आदमी यहाँ पे कर रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ आदमी 19 साल से लेके 16 साल से लेके 80 साल तक उम्र वाला आदमी यहाँ पे सफल हो रहा है। बट क्यों फेल कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस हमको अफसोस लगता है कि ये लोग सीरियस नहीं होते। इनका अंदर में क्या पैसिव इनकम नहीं चाहिए? घर वाला बीवी को अच्छा लाइफ नहीं देना चाहते? मेरे बच्चों को क्या ठीक से लाइफ लाइफ स्टाइल देना नहीं चाहते? क्या अगले बच्चे के लिए हम फ्यूचर क्रिएट नहीं कर सकते? नहीं कर पाएगा कि बुढ़ा का उम्र में क्या बच्चों को डिपेंड करके खाएगा? क्यों नहीं होता हमारे पास? आप सोच के देखिए, मेजर एजर्ड पीपल क्या होता ना, द डिपेंड्स ऑन द सन एंड डॉटर। क्यों आपका ऐसा इंडस्ट्री नहीं बनाते जो आपको पर डिपेंड होगा बच्चा? क्यों हम लोग सीरियस नहीं होते? दैट इज द रीजन। जीरो एग्जिस्ट कॉस्ट, इट इज हियर टू क्विट। एक मिनट, वेट, ये तीन नंबर ना, दो नंबर चाहिए सर, ये चार नंबर होगा अभी, चार नंबर ही में गलत हो गया, ये इसको अभी चेक कर दे, चेंज कर देगा। ये चार नंबर था ना, ये तीन नंबर होगा, ये तीन नंबर होगा डेफिनेटली। यस यस यस, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर देखिए, और एक पॉइंट है जिसका आउट ऑफ द सेवन मेजर रीजन दो होता है आपका। देखिए आदमी को देख के क्या लगता है? ये देख के लगता है ना, लैक ऑफ ड्रीम्स। इनका पास ड्रीम का कोई कुछ नहीं है, ऐसे ही उठपटांग सोचते है। ये पिक्चर देख के क्या लगता है? नॉन ड्रीमर पीपल है, इनका अंदर में लाइफ में ड्रीम ही नहीं। आपको पता है ये बिजनेस कभी भी एक पा आगे नहीं बढ़ेगा जब आपका लाइफ में ड्रीम नहीं होगा। आपका लाइफ में अगर रीजन ही क्लियर नहीं है तो क्या लाइफ सफल बनेगा? आपको ये भी पता है ना, 98% फेल हो जाते, 97% पीपल जिसका अंदर में लाइफ में व्हाई क्लियर नहीं है उसको पता है हाउ, बट 3% आदमी को पता है व्हाई। यानी 3% आदमी वाइल्ड को बनाते क्योंकि उसका अंदर ड्रीम है। वो ड्रीम को भी गोल में सेट कर दिया, रिटेन डाउन भी कर दिया था। आप देखो ऐसा ढंग से उत्पटन, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, बिना ड्रीम में आज तक तो कोई आदमी सफल नहीं बना है। ये भी एक रीजन है जो आदमी नेटवर्क इंडस्ट्री में फेल करते हैं। आ गया कोई आदमी बोला ड्रीम है तो चलो, किसी आदमी का हो सकता है पहला ड्रीम होता है, आ गया गाड़ी चाहिए। बट माई क्वेश्चन इज देयर, द स्टेबिलिटी ऑफ योर ड्रीम हाउ लॉन्ग, द स्टेबिलिटी ऑफ योर ड्रीम हाउ लॉन्ग, कितना टाइम? तो हमारा ड्रीम रहना चाहिए टिल जब तक ना सफल बने आप। ये भी बहुत सारे आदमी को हम देखा है ना, ड्रीम लेके आया दो दिन चार दिन छह महीने आठ महीने एक साल, उसके बाद ड्रीम ना फेड हो गया। फिर बोले थोड़ा बुढ़ी खड़ा, बुढ़ी थोड़ बुढ़ी खड़ा, जो लाइफ था ना ऐसे ही चलेगा, छोड़ भाई कौन करेगा ऐसे। ये लैक ऑफ ड्रीम का वजह से ना बहुत सारे आदमी का लाइफ में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फेल हो जाता है। बट आज जो आपको मीटिंग कर रहा है, ये पूरा पक्का अंदर में डाल दो, ये चीज हमारा अंदर में आपका अंदर में कभी नहीं होना चाहिए। इफ यू वांट टू गेट द सक्सेस दिस इंडस्ट्री, हजारों लाखों आदमी अनपढ़ पीपल, एडुकेटेड पीपल, कोई भी आदमी को सफल है, अंधा पीपल सफल है। आपने उस दिन देखा था ना, वो अंधा पीपल जो पढ़ाई करने का टाइम में डॉक्टरी पढ़ने वाला था, बट उस डॉक्टरी पढ़ते पढ़ते मतलब प्लानिंग किया था ना, उसका बाद वो अंधा हो गया था। जो वेस्टी शुरू किया था ना, रास्ता चलने के लिए कितना बार ठोकर खाया, कितना बार गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, बस उसका अंदर में उसको कैसे सफल बनाया उनका ड्रीम। उनका ड्रीम ही नहीं है तो आदमी आगे बढ़े, दैट इज द रीजन वो आदमी असफल बन जाते, करेक्ट। उसका बाद हम पांच नंबर पॉइंट को बताए, क्या लगता देख के, जो भी पिक्चर देख के क्या होना चाहिए, पिक्चर देख के, ये पिक्चर को देख के क्या लगता है? चारों तरफ फोकस है, मतलब लैक ऑफ फोकस। अभी काम करो भाई सही दिशा में, वेयर इज योर फोकस? आप वेस्टेज शुरू किया, चारों तरफ वहां पे हम किटी पार्टी जाएगा, बर्थडे पार्टी जाएगा, वहां पे सब कुछ करेगा आपका देश सब, अगर टाइम रहेगा मेरे पास तो अभी मेरे पास फोकस रहेगा वेस्टेज में, कोई फोकस नहीं।
follow under one course until you will not get the success. This is called a focus. आपको फोकस रहना चाहिए, चारों तरफ फोकस नहीं है, एक साथ कभी भी चारों चीज में आप सफल नहीं बनेगा। अगर आपका पास कोई नौकरी है, नौकरी आपको चल रहे दिन को चलाने के लिए, बट आपका वेस्टेज आपको ड्रीम को बनाने के लिए, लाइफ को बनाने के लिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर ये आपको सोच लिया ना, फोकस आपका यहां पे हो जाएगा। फोकस चारों तरफ मत लगाइए, चारों तरफ फोकस है। शॉर्ट टाइम में गेन मत कीजिए, कोई कहां पे लॉन्ग टर्म मनी, शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा इधर से आ जाएगा, वो आप फोकस नहीं है। फोकस ये डेडिकेशन यहां पर लगाइए। डैम श्योर अबाउट इट, आज एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, उस दिन एक वीडियो हमने देखा था, आप लोग की मालूम है, उस आदमी का नाम मेरे को पता नहीं हो रहा अभी, सम राठौर, डीसी राजपूत कितना उम्र था, कितना उम्र था बताइए, डीसी राजपूत का कितना उम्र था, 72 साल का उम्र है। वो आदमी साइकिल में घूम रहा है, बात करने का तरीका नहीं था, वो आदमी रोडी में घूम रहे, क्यों मालूम है, फोकस। 72 साल का उम्र आदमी वेस्टीज है, डीसी राजपूत आज ऑडी में घूम रहा है साइकिल लेके, एक थोड़ा नाइट गार्ड का 3-4 हजार का नौकरी कर रहा था, क्यों मालूम है, द ड्रीम इज देयर, फोकस इज देयर। भाई चारों तरफ फोकस मत दीजिए, फोकस को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आई ग्लास को सूरज का नीचे रखेगा, नीचे पेपर लगाएगा ना, वो जल जाएगा, बट उसको हिला देना कभी जलेगा नहीं, क्योंकि आपका फोकस चारों तरफ हो गया। To be concentrated to your focus. This is the reason आज भी फेल हो जाता। और एक पॉइंट देखा था आपको, छवि देख के क्या लगता है, क्या लगता है छवि देख के, lack of willingness to learn the system and work as per the system. Willingness to learn, willingness to know the system. ये सिस्टम का साथ जोड़ना नहीं चाहता है, वो सीखना नहीं चाहता है। वो बचपन में पढ़ा था, एमबीए किया, बीएससी किया, सब कुछ किया, पढ़ाई कर लिया, बहुत हो गया, उनको ये पता नहीं है एकेडमिक क्वालिफिकेशन कभी भी एक आदमी को रिच नहीं बनाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, कितना बार हम लोग ट्रेनिंग किया, योर इनकम डिपेंड्स ऑन द लर्निंग, लर्निंग अर्निंग डिपेंड्स ऑन द लर्निंग, कितना बार सीखा कृष्ण दू पूरा टीम को बताइए, योर अर्निंग डिपेंड्स ऑन द लर्निंग, स्टिल इतना बार सीखने का साथ साथ भी वह स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ योर ड्रीम, स्टेबिलिटी ऑफ योर विलिंगनेस, स्टेबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी स्टेबल होना चाहिए। कब तक, जब तक ना सफल हो, जान लगा देगा, दैट्स माय एम। इस दुनिया का अंदर में एक बार अगर जन्म आना, कुछ करके जाएगा, क्रिएटिव हिस्ट्री आपका हाथ में, अगर मौका मिल गया ना, आपको तो छक्का लगाना पड़ेगा। लर्निंग एबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका कारण से बहुत सारा आदमी आता है, दो चार दिन मीटिंग में आया, एक महीना आया, उसका बाद पता ही नहीं होता कहां पे घूम रहा, रास्ता में लटक रहे। इतना सारा अच्छा एडुकेशन हम लोग 8:30 बजे बना दिया, कोई आदमी अगर 2 महीना लगाता हो कि यहां पे सीखेगा ना, दे विल बी द मास्टर ऑफ दिस एडुकेशन, नहीं आएगा, सीखेंगे नहीं, मीटिंग है नहीं जाएंगे। ये कोई रोज देखने का काम नहीं है, एक दिन आया चल गया, कल दुर्गा पूजा है, 3 दिन पूजा बना दिया, लक्ष्मी पूजा घर पे होता है एक दिन के लिए, शीतला पूजा एक दिन में होता है, ये तो नो, शादी बाड़ी घर पे एक दिन होता है, ये ऐसा ढंग से नहीं बनेगा। हमारा लर्निंग एबिलिटी को यहां तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आई एम कमिटेड टू माई सेल्फ, कमिटेड टू ड्रीम, कमिटेड टू माई फैमिली, जिसका कारण से फेल होता है। बट हम लोग जो आदमी आज मीटिंग देख रहे ना, एवरीबॉडी टेक द कमिटमेंट, ये चीज नहीं करेगा हम जिंदगी में, हर आदमी हम लोग सफल बनेगा। या अभी तक देख रहे 217 आदमी यहां पे है, हम चाहता है 217 आदमी, आई वांट टू सी यू एज अ डबल क्राउन एंड अबव लेवल, आई वांट टू सी यू एवरीबॉडी यू विल रीच द लेवल, गारंटी, आई हैव कॉन्फिडेंट, आई हैव बिलीव विद इन यू, आप कांदे में बिलीव को लेकर करेक्ट। उसका बाद और एक को लेते हैं, ये देख के क्या लगता है, हो वर्किंग विद रॉन्ग बिलीव्स, कहां से बिलीव में टूट जाता है, डिसेंपरिंग बिलीव के ऊपर चलता है,
दोनों ना ज्वाइन करने का बात बोला, अच्छा ये काम किसी से बात करना पड़ेगा, कैसे बात करेगा, ये मेरा से नहीं होगा, रॉन्ग बिलीव। मैंने माँ का पेट से पैदा नहीं हुआ बात करने का, धीमे धीमे सिखाए क्या, एक दिन में मीटिंग सिखा क्या, नहीं हमसे तो नहीं होगा, अच्छा किसे बात करना पड़ेगा, वो अगर ना कर देगा तो, रॉन्ग बिलीव। अरे वेस्टेज बात करने से पैसा देते, वो बिलीव करो पहले, जितना ज्यादा बात उतना ज्यादा बड़ा अमाउंट, बात तो करो ना, अगर अगर कुछ 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 मेरा बारे में सोचेगा तो, घर पे टीम लगाने का बात था विजन बोर्ड का, अच्छा यहां पे लगाएगा कोई आदमी देखेगा तो, खुद का अंदर में बिलीव नहीं है, सोच के देखिए, द वर्किंग विद द रॉन्ग बिलीव, इसको पहले हटाइए, एम्पायरिंग बिलीव को जन्म दीजिए, एम्पायरिंग बिलीव को जन्म दीजिए, डिसएम्पायरिंग बिलीव को काट दीजिए, डिसएम्पायरिंग बिलीव के कारण से एक आदमी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क में वो फेल होता है 100% से, अब बिलीव तो करो 100%, पहले खुद बिलीव करो, माइंड को पहले खड़ा करो यार, जब तक माइंड सेट नहीं होगा ना कुछ होने वाला नहीं है, इसको पहले बिलीव कराओ, यस आई एम द ओनली पर्सन आई कैन डू दिस थिंग, आई विल बी हियर एक्चुअली टिल अंटिल आई एम नॉट गेटिंग द सक्सेस, इस बिलीव सिस्टम को पकड़ लो यार। ये जो 7 पॉइंट आपका बारे में बताया ना, दिस आर क्रूशियल पॉइंट, जिसका कारण से एक आदमी दुनिया में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में वो असफल बन जाता है, ये दोनों। तो क्या करना पड़ेगा आप देखो, यहां पे मुक्ति मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस बिजनेस हैज ओनली 3 बेसिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम यू, जिसका कारण से फेल हो रहा है उससे हमको बचना चाहिए, दिस बिजनेस हैज ओनली 3 बेसिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम यू, क्या चाहिए आपको, यू हैव ड्रीम, यू हैव रीजन व्हाई यू वांट टू डू दिस बिजनेस, आपका पास एक स्ट्रॉन्ग वजह होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, ये आपको चाहिए रिक्वायरमेंट, ये एक नंबर पॉइंट है जो रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। एंड 2 नंबर में आपको क्या चाहिए, यू आर विलिंग टू लर्न एंड विलिंग टू चेंजेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस बिजनेस, जैसा जैसा बिजनेस आपको चाहिए बिजनेस को सफल बनने के लिए, जैसा जैसा आपको चेंज खुद को करना चाहिए एज पर द सिस्टम, आपको चेंज करने के लिए आपको चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये 2 नंबर चीज है, आपको एकदम अंदर में डाल लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 3 नंबर पॉइंट जो आपको बताएगा ना, यू आर रेडी टू वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ टू ए फ्यू इयर्स एज पर द न्यू सिस्टम, आपको हार्ड वर्क करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, अगले 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल एज पर द सिस्टम आपको यह काम करना पड़ेगा, दुनिया का किसी का ताकत आपको हिला नहीं पाएगा, आई एम गारंटीड यू, किसी का ताकत आपको हिला नहीं पाएगा, आई एम गारंटीड यू। पहले पॉइंट नंबर 1, दिस बिजनेस हैज ओनली 3 बेसिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम यू, 1 नंबर यू हैव ड्रीम्स, यू हैव रीजन व्हाई यू वांट टू डू दिस बिजनेस, क्यों ये बिजनेस को करना चाहता है उसका एक बड़ा रीजन, 2 नंबर यू आर विलिंग टू लर्न एंड विलिंग टू चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस बिजनेस, जैसा जैसा बिजनेस को रिक्वायरमेंट आपको चाहिए उस तरह का आपको खुद को चेंज करना चाहिए, और 3 नंबर यू आर रेडी टू वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ और फ्यू ईयर एज पर द न्यू सिस्टम, बिजनेस का सिस्टम करेगा आपको ये अगले 1 साल 2 साल 3 साल ये इसका साथ एडॉप्ट करना पड़ेगा, अगर तीनों चीज आपके अंदर पैदा होगा दुनिया का किसी का हिम्मत आपको वेस्टी से हिला नहीं पाएगा, यू विल गेट सक्सेस गारंटी, गारंटी नो डाउट अबाउट इट, गारंटी आई एम एश्योरिंग यू, गारंटी आई हैव बिलीव ऑन दैट, करेक्ट। नाउ लास्ट टॉपिक हम एक बोल के आज का मीटिंग को खत्म करेंगे, लास्ट टॉपिक में ये जो बताया ना उसका समरी अगर बताएगा यहां पे, और एक पॉइंट के बारे में क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल नेटवर्क, क्योंकि इसका साथ रिलेटेड है, इसका साथ रिलेटेड है, इसका कारण से भी टॉपिक पे 2-4 वर्ड बता के आज का मीटिंग हम कंप्लीट करेंगे। क्वालिटी ऑफ नेटवर्क, सक्सेसफुल नेटवर्कर, जो सक्सेसफुल आदमी बन रहे उसका क्या क्वालिटी है, पहले क्वालिटी अगर देखिए, यू हैव बर्निंग डिजायर, उस आदमी तभी सफल बनेगा, और नेटवर्क क्वालिटी के अंदर में वो चीज आपके अंदर में आना चाहिए, बर्निंग डिजायर, आई एम डूइंग द बिजनेस
नॉट फॉर लंच, आई एम डूइंग दिस बिजनेस फॉर माय लाइफ. ये चीज आपको लेना पड़ेगा. बर्निंग डिजायर, वो क्वालिटी एक सफल नेटवर्क अंदर में होता है. यस, दो नंबर पॉइंट अगर बताएगा, इंटेग्रिटी एंड रिपुटेशन. आप आपका खुद का कैरेक्टर को ऐसा इतना ऐसा ढंग से बिल्ड करो. इंटेग्रिटी, आप जो बोल रहे हैं, जो मुंह में बोल रहा है वो सही होना चाहिए, वो काम भी होना चाहिए. रेपुटेशन, आपका अंदर में रेपुटेशन नंबर वन होना चाहिए. ये बिजनेस आपको टॉप सक्सेस दिलाएगा. इंटीग्रिटी एंड रेपुटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बिजनेस को ज्यादा दूर तक लेने के लिए. आपका एक आपका मास्टर बिजनेस को करने के लिए ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तीन नंबर, ये लीडरशिप. आपको ये पता है, अगर आपका अंदर में लीडरशिप पैदा नहीं करेगा, क्रिएट नहीं करेगा, जन्म से आप भी लीडर नहीं होते. लीडरशिप के ऊपर में हर महीने हम लोग का ट्रेनिंग होता है. यदि नो, ये लीडर जन्म से पैदा नहीं होता. आपको अंदर में धीरे धीरे आपको लीडरशिप पैदा करना पड़ेगा. जो भी सफल व्यक्ति, जो भी नेटवर्क क्वालिटी नेटवर्कर है, जो सफल नेटवर्कर है, उसका अंदर लीडरशिप है. ये आपका अंदर डेवलप करना पड़ेगा. एंथुसियास्टिक, कोई भी आदमी जो सफल बनता है ना, उसका अंदर में जोश से भरपूर है. एंथुसियाज्म ऑल टाइम है. क्यों मालूम है? उसका अंदर में विजन क्लियर है. वो काल देख पा रहे हैं. 2025 साल में वो कितना इनकम करेगा वो अभी देख पा रहे हैं. विजुलाइज, अनसीन बिलीव में वो बिलीव करते हैं. अनसीन, आज जो नहीं हुआ काल उसको दिखाई दे रहा है. 25 साल का अंदर में कृष्ण दु प्रमाणिक का गाड़ी मतलब पकड़ लीजिए, मर्सिडीज गाड़ी घूमेगा, उनका आंखों में देख रहे हैं. दिस कॉल्ड ए विजन बॉल. तभी एंथुसियाज्म है, तभी एंथुसियास्टिक है. आज से 5 साल बाद 20 कंट्री, पूरी कंट्री, 50 कंट्री में बिजनेस आपका चल जाएगा. आप रात में नींद में होगा, वह बिजनेस बढ़ेगा बॉस. तभी आप एंथुसियास्टिक है. क्या देख पा रहा है? सफल व्यक्ति जो होता है ना, उसका अंदर में एंथुसियाज्म इसलिए होता है. इस 5 नंबर पॉइंट उस आदमी के अंदर रहता है. ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज ऑल टाइम. वो चेंज करने के एंड लर्न करने के रेडी होता है. यस, एंड 6 नंबर पॉइंट अगर देखिए, द एटीट्यूड ऑफ सर्विस एंड ग्रेटिट्यूड. मतलब सर्विस देने के लिए एक लीडर क्या होता मालूम है? वो सर्वेंट होता है. सर्वेंट, वी आर द सर्वेंट, वी वांट टू सर्व टू द पीपल. हम लोग सर्व करने के लिए दुनिया में पैदा हुआ, सर्विस देने के लिए पैदा हुआ. हम बड़ा लीडर बन गया डबल टॉन डायरेक्टर लेवल में, हम तो बॉस है, ऐसा सिस्टम नहीं बोल. आई एम सर्वेंट. हम इनसेन को, आपको सर्व करने के लिए हम तैयार है. ये क्वालिटी एक सक्सेसफुल पीपल के अंदर में, नेटवर्क के अंदर में पैदा होता है, तभी वो सफल बनता है. एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑल टाइम, जो आपका लाइफ में मिलना है ऑल टाइम. थैंक्स टू गॉड बिकॉज ऑफ यू हैव आई हैव एवरीथिंग इन माय लाइफ. वो सक्सेसफुल नेटवर्क के अंदर में ये चीज पैदा होता है. हर मोमेंट में वो आपका एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड लगाता है. किसी रिक्शा में चढ़ा ना, रिक्शा वाला का साथ उतरने का साथ साथ उसको थैंक यू बताता है. एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ये सक्सेसफुल नेटवर्क के अंदर में होता है. ये तो नो, ड्राइव फॉर एक्शन. उसका कोई भी सफल व्यक्ति को देखो ना, वो ऑल टाइम एक्शन मोड पर रहते हैं. आपको ये पता है, कोई आदमी जिंदगी में सफल नहीं बनेगा विदाउट एक्शन. नॉलेज में भरपूर हो गया, सब कुछ सीख गया, सब सीख लिया, कुछ नहीं होगा. एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो नो, करेक्ट. ये ड्राइव फॉर एक्शन. उसके बाद देखो और 8 नंबर पॉइंट, डिसिप्लिन. वो ऑल टाइम डिसिप्लिन में रहता है. उनका ऐसे ही पंक्चुअलिटी बनते हैं. करेक्ट. अगर 9 नंबर पॉइंट आपको बताएगा, दिस कॉल्ड ए परसिवरेंस. वो कंसिस्टेंसी बेस पे. परसिवरेंस का मतलब होता है वो रेगुलर बेस पे, कंटिन्यूअस. कभी परसिस्टेंस को घटाता नहीं. बिकॉज योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन द रिपीटेशन, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस. ये सफल व्यक्ति वो चीज को फॉलो कराते हैं. ये दोनों 10 नंबर पॉइंट आपको बताएगा ना, कमिटेड फॉर कंटिन्यूअस पर्सनल ग्रोथ. वो आदमी पर्सनल ग्रोथ के लिए कंटिन्यूअस कमिटेड होता है. पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तभी तो सफल बन जाता है. थोड़ा बुक्स पढ़ो, थोड़ा वीडियो देखो, थोड़ा डेली वाइज एक्टिविटी में रहो, ये सब चीज के बारे में रहो, तो ऑटोमेटिकली 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपको खुद दो आपका पर्सनल ग्रोथ के लिए. एक सफल व्यक्ति, सफल नेटवर्कर ऑल टाइम ये करता है बॉस, कमिटेड फॉर कंटिन्यूअस पर्सनल ग्रोथ. अगर जो स्लाइड आज देखा रहे ना, आज ही सुबह स्लाइड को बनाया हम. आप सोचो करने का प्लानिंग कर रहे हैं, बिजी है, फिर भी है, उसका बीच में भी कुछ करता है. करेक्ट. 11 नंबर पॉइंट अगर देखिए ना,
प्लीजिंग पर्सनैलिटी एंड ड्रेस अप फॉर सक्सेस. हमको देख के लगता है क्या हम बिजनेस में है, देख के लगता है क्या, देख के लगता है क्या प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, स्माइलिंग फेस है, ऑल टाइम प्लीजिंग पर्सनैलिटी, ये एक सफल व्यक्ति के अंदर में ये पैदा होता है. ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. 12 नंबर पॉइंट, पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड. ऑलवेज पंक्चुअल, टाइम का पहले पूछ जाएगा, 5 मिनट पहले, कभी लेट नहीं होगा. कुछ आदमी को मालूम है जितना भी बोला 11 बजे जाने का है, फिर 12 बजे आ जाएगा. आप बोला हम लोग का 5 तक में मीटिंग है, 9 बजे आने के लिए बोलेगा, देखता है कितना आदमी 9 बजे आता है. पंक्चुअल प्रिपेयर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल टाइम प्रिपेरेशन रहता है उसके पास. 13 नंबर पॉइंट अगर बताएगा, एबिलिटी टू लीड ए बैलेंस लाइफ. ये बैलेंस लाइफ का मतलब क्या होता है मालूम है, बिजनेस का साथ साथ फैमिली से लेके जो मेरे को बैलेंसिंग करते हैं, आपको सिद्धार्थ सिंह उस मीटिंग में सिखा देगा आपको बैलेंस कैसे लाइफ को करेगा. 9 पॉइंट के ऊपर काम करना पड़ेगा. अगर सिनेजे से मीटिंग भी लगा ना, क्या क्या पॉइंट है, रिलेशनशिप, यस बहुत सारा, 7 पॉइंट 8 पॉइंट, इसके ऊपर अगर ट्रेनिंग करे तो आपको 1 घंटा ट्रेनिंग कर देगा आपको बैलेंस ऑफ लाइफ हम कर देगा आपको. ये फैमिली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले हम समझदा नहीं था, पहले मेरा पास ऐसा समझ में नहीं आता, हर टाइम बिजनेस बिजनेस बिजनेस, ऐसा नहीं, बैलेंस लाइफ को बैलेंस भी करना पड़ेगा. ये भी सीखा यहां से, ये सफल नेटवर्क का अंतर्गत रहता है. एंड लास्ट पॉइंट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन. पैसा कमा रहे ऐसे उड़ा रहे ऐसा नहीं है, पैसा आ रहा इधर से उड़ा रहे ऐसा नहीं है. ये भी देख के चेक करके आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा. ये जो पॉइंट का हमारी बात किया ना, 14 पॉइंट, ये 14 पॉइंट एक सफल नेटवर्क का अंदर में क्वालिटी, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी के कारण से वो आदमी सफल बनता है. ये तो नो, तो ऑटोमेटिकली 9:35 नियर अबाउट 50 मिनट्स हो चुका है. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू. यस, हमको मौका देने के लिए, आपका साथ बोलने के लिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू. एंड ओवर टू मिस्टर कृष्ण दुक्रमणी. आपका आवाज नहीं आ रहे. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, फैंटास्टिक, ग्रेट सर, प्रणाम सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मतलब क्या बोले, कहां से शुरू करे पता नहीं है, मतलब